तो नेटफ्लिक्स ने ये सोच लिया कि आप पढ़ाई लिखाई ना करो, इनका सब्सक्रिप्शन लेके नेटफ्लिक्स एंड चिल के चक्कर में फंसे रहो। तो जिन लोगों को नहीं पता वो जान लीजिए कि नेटफ्लिक्स का गीक्ड वीक नाम से 5 दिन का ऑनलाइन इवेंट हो रहा है जो कि 6 जून से 10 जून तक चलेगा। एंड इस 5 दिन के इवेंट में नेटफ्लिक्स अपने आने वाली मूवीज एंड सीरीज का अनाउंसमेंट से लेकर उसका फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर एंड स्नीक पीक रिलीज करेगा। तो कल यानी कि 6 जून को इसका फर्स्ट दिन का इवेंट था जिसमें उन्होंने अपने आने वाली सभी सीरीज का अनाउंसमेंट के साथ ही टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया। एंड इतने सारे सीरीज का उन्होंने किया है कि इसके आगे आपको अपना सिलेबस भी छोटा लगने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अपने कौन कौन से सीरीज का अनाउंसमेंट किया है। इसमें आपके फेवरेट सीरीज का नेक्स्ट सीजन भी हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन सीरीज के बारे में जिनका सीजन 2 या उनका नेक्स्ट सीजन अनाउंस किया गया है। तो सबसे पहले स्वीट टूथ, जिसके सीजन 2 को अनाउंस कर दिया गया है एंड इसके सीजन 2 की शूटिंग पूरी भी हो चुकी है। अगला है लोकी एंड की, जिसके सीजन 3 को अनाउंस किया गया एंड साथ ही साथ सीजन 3 का फिनाले सीजन होने वाला है। इसके सीजन 3 के एक छोटे से टीजर को रिलीज किया गया है एंड इसे इसी साल 10 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। अगला है शैडो एंड बोन, जिसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया एंड इस इवेंट में ये भी बताया गया कि इसके सीजन 2 में कुछ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगला है वॉरियर नन, जिसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया एंड इसके सीजन 2 के ट्रेलर को भी रिलीज किया गया जो कि काफी खतरनाक था। इसके साथ ही मैनिफेस्ट के सीजन 4 को इसके एक स्नीक पीक के साथ अनाउंस किया गया। अगला है वाइकिंग वल्हला, जिसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया। इसके साथ ही मेरे और आपके फेवरेट ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 को भी अनाउंस किया गया लेकिन इसके रिलीज डेट को अभी बताया नहीं गया है। इसके साथ ही अम्ब्रेला एकेडमी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका सीजन 3 आ रहा है एंड इसका ट्रेलर भी पहले ही रिलीज किया जा चुका है। तो सबसे आखिरी नंबर पे एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया है एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 1 कितना ज्यादा अच्छा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये टॉप 10 की लिस्ट में 70 देशों में 2 बार आया है। ये एक साईफाई गेमिंग सीरीज है। तो अब बात कर लेते हैं उन नई सीरीज के बारे में जिन्हें नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया। तो सबसे पहले नंबर पे है वेडनेसडे, जो कि एडम्स फैमिली की एक फेमस कैरेक्टर वेडनेसडे के ऊपर होने वाली है। दूसरी सीरीज है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, जो कि एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज होने वाली है जिसमें पूरे 8 एपिसोड होंगे एंड 8 एपिसोड में आपको अलग अलग यूनिक हॉरर कहानियां देखने को मिलेगी। इसका एक टीजर भी रिलीज किया गया। तो तीसरे नंबर की सीरीज है द मिडनाइट क्लब, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज होने वाली है जो कि बेस्ड होने वाली है सेम नाम के नॉवेल द मिडनाइट क्लब पे। चौथे नंबर की सीरीज है द इम्परफेक्ट, जो कि एक साईफाई सीरीज होने वाली है एंड इसके एक ट्रेलर को भी रिलीज किया गया जो कि काफी शानदार था। पांचवे नंबर की सीरीज है स्कूल टेल्स एंड ये भी एक एंथोलॉजी सीरीज होने वाली है जिसमें 8 एपिसोड होंगे एंड 8 एपिसोड में आपको अलग अलग घोस्ट स्टोरीज देखने को मिलेगी जो कि सभी स्टोरी बेस्ड होने वाली है स्कूल में। तो 6 नंबर की सीरीज है बारबेरियन, जिसे इसके एक ट्रेलर के साथ अनाउंस किया गया एंड ट्रेलर देखने में काफी ही शानदार लग रहा था एंड ये एक एक्शन सीरीज होने वाली है रोमन एम्पायर के ऊपर। तो 7 नंबर की सीरीज है रेजिडेंट इविल, जिसे इसके शानदार ट्रेलर के साथ अनाउंस किया गया एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी सीरीज के लिए हूँ क्योंकि मैंने रेजिडेंट इविल मूवी देखी हुई है एंड वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसे इसी साल 14 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड सीरीज सैंडमैन के रिलीज डेट को भी अनाउंस किया गया, जहां पर इस सीरीज को इसी साल 5 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो 8 नंबर की सीरीज है फर्स्ट किल, जिसे इसके ट्रेलर के साथ अनाउंस किया गया एंड इसे 10 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। ये एक वैम्पायर से रिलेटेड सीरीज होने वाली है। तो 8 नंबर की सीरीज है 1899, जो कि एक जर्मन मिस्ट्री हॉरर सीरीज होने वाली है। इसके साथ ही 9 नंबर की सीरीज है वन पीस, जिसके एक स्नीक पीक को रिलीज किया गया एंड एक और सीरीज जिसे मैं भूल गया था जिसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया है एंड उसका नाम है फेट द विंग्स सागा एंड इसके सीजन 2 में फैन फेवरेट कैरेक्टर फ्लोरा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।